नमस्कार, मैं ललन सर। आप तमाम छात्रों का मिशन 40 मोटिवेशंस में स्वागत है। जैसा कि सभी को मालूम है कि जो है टर्म टू का एग्जाम आपका जो है गवर्नमेंट ने आपका जो है सीबीएसई ने मार्च में आपका होल्ड किया आपका जो है, तो मिशन 40 ये जो YouTube का जो चैनल है इस पर हम लोग जो है लगातार मैथ्स के जितने भी सारे सिलेबस आपका है टर्म टू का सभी को हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे जो है सोल्व करेंगे आपका। ठीक, तो अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा जो है मैथ पढ़ना चाहता है, उसको लग रहा है कि जो है लॉकडाउन के कारण जो है या किसी भी सिचुएशन के कारण जो है अगर वो मैथ जो है नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो मिशन 40 मोटिवेशन को ज्वाइन कर ले। वो आराम से जो है घर बैठे बैठे जो है मैथ का पूरा तैयारी जो है कर लेगा कोई। तो आपके भी आसपास में अगर कोई बच्चा है जो मैथ जो है नहीं पढ़ पा रहा है, उसको जो है जरूर जाकर बताइए कि ललन सर एक टीचर है जो कि मैथ पढ़ाते हैं और बड़ी अच्छा मैथ पढ़ाते हैं ना, उनसे जाकर क्या करो थोड़ा सा मैथ सीख लो आपका। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको, कोई पैसा नहीं लगा आपका, है ना। और जिसको पैसा देकर जो तैयारी करना, वो हमारा जो है जाकर के जो है इसी टाइम में आपका जो है आप जाकर के हमारा एप्लीकेशन भी है मिशन 40 सीटेड का जो है, आप मिशन 40 सीटेड पे जाकर के भी जो है ऑनलाइन तरीके से जो है स्टडी कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा और वहाँ पे मिशन 40 सीटेड लिखिएगा तो आपको मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन पे जाकर आराम से जो है तैयारी कर सकते हैं, बड़ा ही चिपेस्ट कॉस्ट पे आपका, विश्वास नहीं कीजिएगा आपका, ठीक है। मात्र आपको 49 रुपया में 100 रुपये में आपका जो है पूरा पूरा तैयारी करवा देंगे टर्म टू का आपका, एकदम घर बैठे, कहीं जाने की सकता नहीं आपको। जो भी डाउट वगैरह रहेगा सब आप जो है फ़ोन कॉल करके, व्हाट्सअप करके, है ना, सारा फैसिलिटी उस पर अवेलेबल है, आप जो है तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है क्लास 10 का जो है और टर्म 2 का जो है एक्सरसाइज 4.1 आपका क्वांटिटी की स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोग आज जो है एक्सरसाइज 4.1 मतलब मार्कर में प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए इस मार्कर को थोड़ा सा जो है हम हटा देते हैं, ठीक है, नया मार्कर थोड़ा सा निकालते हैं। तो हम लोग जो है आज एक्सरसाइज 4.1 को जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे आपको। एक्सरसाइज 4.1 का जितना भी सारा क्वेश्चन है आराम से जो है बैठे बैठे जो है डील करेंगे आपको, थोड़ा सा आप लोग केयर कीजिएगा। और जितना भी स्टूडेंट जो है हमारी वीडियो को देख रहा है ना, वो कम से कम जो है घर पे जब पढ़ाई करे जो है तो एक किताब और कॉपी और कलम तीन चीज निकाल के बैठ जाए और शांति से बैठ जाए। ऐसा रूम में जाके बैठिए जहाँ पे कोई आता नहीं है आपको, वहाँ पे मम्मी पापा भाई बहन बच्चा जो नटखटी होता है शरारती होता है उससे थोड़ा दूर जाके बैठिए, क्योंकि जब तक बच्चे के साथ बैठिएगा तो जो है पढ़ने मजा नहीं है। ऑनलाइन का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो घर के जो है जो परिवार सब है उनसे दूर जाके बैठिए, नहीं तो जो है पढ़ने का आप लोग को देंगे नहीं आपको, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जनरली हम लोग को जो है क्वाड्रेटिक पढ़ना आपको, क्वाड्रेटिक के ऊपर जो है मैंने एक वीडियो आपको बना दिया है कि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन किसको कहते हैं। अगर आपको समझना है कि क्वाड्रेटिक क्या होता है तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग इसका सिर्फ सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में जो है जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चेक करना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जो भी इक्वेशन आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप का होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक आपका नहीं होगा। क्वाड्रेटिक होने के लिए जो है वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर किसी जो है इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 रहता है, अधिकतम पावर जो है 2 रहता है, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो चेक करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो इस फॉर्म का रहेगा तो क्वाड्रेटिक है, अगर इस फॉर्म का नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक आपका नहीं आपका है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x − 3 आपका, 2 × x − 3 आपका। अभी देखिए इसको पहले क्या कीजिए, सोल्यूशन कीजिए आपका, क्या करेंगे सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन कीजिए। तो ये तो हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, क्या हो गया ये हो गया आपका a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b आपका 1 है,
अब प्लस टू इंटू ए, ए का मान कितना है एक्स है और बी का मान कितना है वन आपका, ठीक है। आई हो गया, देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, टू को एक्स मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स हो जाएगा, और टू को फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री से कितना हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो है एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर एक हो जाएगा, और प्लस आपका जो है ये हो जाएगा कितना टू एक्स, टू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वन से टू एक्स हो जाएगा इक्वल टू कितना टू एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा। अब देखिए टू एक्स में टू एक्स रहेगा जीरो है ना, तो बचा क्या, बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए माइनस सिक्स इधर रहेगा क्या रहेगा प्लस सिक्स, इधर क्या बच गया जीरो बच गया। तो क्या इक्वेशन हो गया, इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस जो है सिक्स प्लस वन कितना आ जाएगा सेवन हो जाएगा इक्वल टू कितना जीरो। अब देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना है, तो इसका मैक्सिमम पावर आपका दो है, मैक्सिमम पावर जो है इसका कितना है दो है, इसलिए कैसा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन आपका इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है। अब बोलो कि सर इसमें तो जो है डी एक्स तो है ही ना, डी एक्स है इसमें, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स आपका, ठीक है। अब प्लस ये क्या हो गया सेवन हो गया, देखिए ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सेवन आपका, ठीक है। तो चूंकि जो है ना इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, चूंकि ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म का है सो है ना इट इज क्वाड्रेटिक आपका, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है सेकेंड क्वेश्चन को हल करते हैं, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया है ना। अब दूसरा क्वेश्चन जाते हैं है ना, दूसरा ऐसा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका जो है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ये ब्रैकेट के अंदर है और फिर आपका इन टू है थ्री माइनस एक्स आपका है, फिर पूछ रहा है कि क्या क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है या नहीं है इसको बनाने के लिए जो है बताने के लिए जो पहले इसको हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले आपको क्या कीजिए जो है इसको आँख बंद करके सॉल्यूशन कर लीजिए, कीजिए ये तो सॉल्यूशन पार्ट आपका ही एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब देखिए माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से कितना हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा, और माइनस टू को मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स से क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स हो जाएगा, बट माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स हो जाएगा। और सब उठा क्या कीजिए इधर कर लीजिए आपका, ठीक है, जो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इधर आएगा प्लस सिक्स प्लस टू एक्स इधर आएगा क्या माइनस टू एक्स, इधर कुछ रहे तो क्या बचा, इधर कुछ रहे तो आपका जो है लड्डू बचा आपका मतलब सुनना बचा आपका, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स कितना आ जाएगा माइनस फोर एक्स, अब प्लस सिक्स इक्वल टू कितना हो गया जीरो हो गया। अब बताइए कि क्या ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म का है, तो हाँ जी है, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, तो इस फॉर्म का है यहाँ पर लिखेंगे चूंकि है ना इट इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो पहला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था दूसरा भी है, अब आते हैं जो है तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है समझने में जो है प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि सर हमको जो क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हुआ, हम इसको आपको जो है बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि आपका एक दिया हुआ है इक्वेशन दिया हुआ है एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री आपका, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूर से देख के नहीं बताएंगे क्वाड्रेटिक है कि नहीं आपका, किसी आदमी को जो है दूर से आप नहीं देख के बता सकते कि उसके अंदर जो है गुण अच्छा है कि खराब आपका, जब तक वो आदमी जो है आप जो है बात विचार अच्छा से नहीं कीजिएगा, जब तक उसे मिलिएगा नहीं निकट आकर नहीं देखिएगा, तब तक जो है आप बता ही नहीं सकते कि व्यक्ति अच्छा है कि खराब है। उसी प्रकार से इसको जब तक हल नहीं कीजिएगा तब तक आप नहीं बता सकते कि क्वालिटी है या नहीं आपका, ठीक है। चलिए इसको भी हल कर लीजिए है ना, चलिए हल करते हैं। तो पहले एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को गुणा करेंगे इससे वन से करेंगे, एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा एक्स हो जाएगा, उसी प्रकार से माइनस टू को गुना करेंगे एक्स से तो हो जाएगा माइनस टू एक्स, और फिर माइनस टू को गुना करेंगे एक से
तो क्या आ जाएगा माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको कीजिए, एक्स को गुना कीजिए एक्स से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स को गुना करेंगे थ्री से तो हो जाएगा थ्री एक्स, फिर माइनस वन को गुना करेंगे एक्स से तो माइनस एक्स, और फिर माइनस वन को गुना करेंगे थ्री से तो कितना आ जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा। एक को उठाना दोनों गुना करना, एक को उठाना है दोनों गुना करना, बट इसमें सिस्टम चलता है। ठीक है, चलिए अब एक्स स्क्वायर में गया एक्स स्क्वायर जीरो, अब बाकी बचा ये सबको एक तरफ कर दीजिए। देखिए एक्स में घटाएंगे माइनस टू एक्स की बचेगा माइनस एक्स बच जाएगा, और माइनस कितना बचा टू बचा। अब देखिए थ्री एक्स में घटाएंगे एक एक्स को तो बचेगा टू एक्स, प्लस टू एक्स को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा ये माइनस टू एक्स बच जाएगा, है ना। और ये माइनस थ्री जो इधर आएगा क्या आ जाएगा प्लस थ्री, अब इधर कुछ बचा क्या बचा लड्डू बचा आपका। ठीक है, हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका जो है माइनस सिक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, अब प्लस थ्री और माइनस टू कितना बचेगा प्लस वन इक्वल टू कितना जीरो। अब बताइए जरा ये जो है क्वाड्रेटिक है नहीं है, बोले काहे नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो है वो कितना है एक आपका है, लीनियर इक्वेशन हो गया। कैसा हो गया लीनियर हो गया, क्योंकि जिसका मैक्सिमम पावर एक रहता है उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो जनरली ये आपका जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म का नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जो है ये वाला आपका जो है नहीं होगा, सॉरी ये वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि है ना इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आशा करता है कि जो है आपको समझ में आ रहा होगा जो है सारी बात जो है कि क्या हो रहा है। ये तो क्वेश्चन नंबर थ्री था, अब क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। थ्री में समझ में आ गया आपका, फोर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या आपका है। फोर नंबर में सेम क्वेश्चन आपका है ना, फिर पूछा जा रहा है एक्स माइनस थ्री इंटू 2x प्लस वन इंटू इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। अब पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, फिर वही बात है क्वाड्रेटिक पद है या नहीं, इसको चेंज करने के लिए पहले से क्या करेंगे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन इसका कर लीजिए आपका, है ना, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ वन के साथ हो जाएगा x हो जाएगा माइनस थ्री को टू एक्स से करेंगे माइनस सिक्स एक्स, और माइनस थ्री को करेंगे किसके साथ वन के साथ, तो माइनस कितना आ जाएगा थ्री हो जाएगा, फिर एक्स को एक्स के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स को फाइव के साथ करेंगे कितना आ जाएगा फाइव एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग हल करते हैं, बट क्या हल होकर निकलेगा ये टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स माइनस कितना फाइव एक्स, और माइनस थ्री प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस फाइव एक्स इधर क्या आ जाएगा माइनस फाइव एक्स इक्वल टू कितना जीरो। अब देखिए आपका ये देखिए टू एक्स स्क्वायर है और ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर है, तो टू एक्स स्क्वायर में घटाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर तो कितना बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस कितना एक्स टेन एक्स, और बचेगा कितना ये माइनस थ्री इक्वल टू कितना जीरो। अभी बताइए कि क्या आपका ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म का है, ऑब्वियसली आपका है ना, तो चूंकि आपका जो है इट इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूंकि ये उस फॉर्म का है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है।